क्रिस गेल आईपीएल 11 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन सभी टीमों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने ऑक्शन में उन्हें नहीं खरीदा था। अभी तक खेले गए मैचों में गेल पंजाब की तरफ से जमकर रन बना रहे हैं। चेन्नई के खिलाफ 63 रन, हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 104 रन और फिर कोलकाता के खिलाफ नाबाद 62 रन विरोधियों को उनका जवाब है। अब पंजाब के कोच सहवाग ने एक खुलासा किया है कि उन्होंने गेल को आखिर वक्त पर क्यों खरीदा था। एक वेबसाइट को दिए गए अपने इंटरव्यू में सहवाग ने कहा, गेल से हमारी टीम को इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी। गेल क्या कर सकते हैं ये उन्होंने 3 मैचों में ही साबित कर दिया है। गेल पिछले साल पीठ दर्द की वजह से ज्यादातर मैच नहीं खेल पाए थे और जिन मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिला था वो उनमें परफॉर्म नहीं कर पाए थे। विराट कोहली ने उनकी फिटनेस को देखते हुए उन्हें छोड़ना बेहतर समझा था, लेकिन गेल अब पूरी तरह से फिट हैं और फॉर्म में भी दिख रहे हैं। हमने पहले जानबूझकर उन पर दाव नहीं लगाया था। सहवाग के मुताबिक गेल को अगर पहले राउंड में खरीदा जाता तो वह महंगे बिकते। आरसीबी ने जब बेस प्राइस पर भी उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई। इसके बाद मैंने गेल को टीम में लेने का फैसला किया। गौरतलब है कि हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़ने के बाद क्रिस गेल ने वीरेंद्र सहवाग के लिए कहा था कि वीरू ने उन्हें खरीदकर आईपीएल को बचा लिया है।